स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? ए महाशिवरात्रि, बी श्रावण पूर्णिमा, सी नवरात्रि, डी दिवाली। आंसर बी श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन: वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 19 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, सूर्योदय के समय पूजा के साथ संपन्न हुई। पिछले 52 दिनों से चल रही अमरनाथ यात्रा में लगभग 5,00,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। महंत स्वामी दीपेंद्र गिरी द्वारा ले जाई गई छड़ी मुबारक, भगवान शिव की चांदी से बनी गदा ने सोमवार सुबह पंचतरणी से पवित्र गुफा तक अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। इस वर्ष ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न: कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: ओडिशा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला बिहार और केरल के बाद तीसरा राज्य बन चुका है। महिला कर्मचारियों को एक दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन लिया जा सकता है। भाजपा सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य नीति शुरू करने का वादा किया था। अगला प्रश्न: सरकार आयुष को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल करेगी? ए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सी आयुष्मान भारत योजना, डी जननी शिशु सुरक्षा योजना। आंसर सी आयुष्मान भारत योजना। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक पैकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत शामिल करने का फैसला किया है। ABPMJAY माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। इससे 12.34 करोड़ परिवारों के अनुरूप 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न: किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ए अट्टम, बी गुलमोहर, सी कंतारा, डी ऊंचाई। आंसर ए अट्टम। एक्सप्लेनेशन: आनंद एकाशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म अट्टम ने यौन हिंसा को संबोधित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें विनय फोर्ट, कलाभवन शजोहन, जरीन सिहाब और जॉली एंटनी जैसे कई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अहम किरदारों में मौजूद हैं। अगला प्रश्न: ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू के कौन से वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? ए डेंगी और, बी ऑल डेंगी, सी डेंगी प्री, डी प्री डेंगू। आंसर ए डेंगी ऑल। एक्सप्लेनेशन: ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल का चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। इस परीक्षण में पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? ए बुखार, सिरदर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स, बी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, सी मतली और चक्कर आना, डी दस्त और उल्टी। आंसर ए बुखार, सिरदर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। एक्सप्लेनेशन: एमपॉक्स मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से और कभी कभी पर्यावरण से लोगों में उन चीजों और सतहों के माध्यम से फैल सकता है जिन्हें एमपॉक्स वाले व्यक्ति ने छुआ है। इसके प्रारंभिक लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट है। अगला प्रश्न: विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? ए अक्षय तृतीया, बी श्रावण पूर्णिमा, सी मकर संक्रांति, डी दशहरा। आंसर बी श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन: विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो आमतौर पर रक्षाबंधन के साथ मेल खाता है। इस वर्ष यह 19 अगस्त 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न: किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के युवराज सिंह का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ए डेरियस विसर, बी निकोलस पुरन, सी किरोन पोलार्ड, डी दीपेंद्र सिंह एरी। आंसर ए डेरियस विसर। एक्सप्लेनेशन: समोआ के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसर ने 20 अगस्त को वनातू के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया।
विसन ने साथ ही युवराज द्वारा 17 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन बनाने का को भी तोड़ दिया। इसके अलावा वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड ने 2021 में, निकोलस पूरन ने 2024 में और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 2024 में एक ओवर में 36 रन बटोरे थे। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए मनीष नवाल, बी देवेंद्र झाझरिया, सी नीरज चोपड़ा, डी सुमित अंतिल। आंसर डी सुमित अंतिल। एक्सप्लेनेशन, भारत की पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी राजीव गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी महात्मा गांधी। आंसर बी राजीव गांधी। एक्सप्लेनेशन, 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? ए बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, बी बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे की कमी, सी मौसम संबंधी चिंताएं, डी वित्तीय मुद्दे। आंसर ए बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट अब 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में होगा। अगला प्रश्न, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बी एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, सी एक विशेष पुलिस बल, डी एक सरकारी समिति। आंसर बी एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। एक्सप्लेनेशन, 20 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह फैसला कोलकाता के आर जीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है। अगला प्रश्न, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अल्जीरिया, सी सूडान, डी नाइजीरिया। आंसर सी सूडान। एक्सप्लेनेशन, सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने कई सप्ताह तक भारी बारिश के बाद हैजा को महामारी घोषित किया। सूडान में हैजा के प्रकोप से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। हैजा एक तेजी से विकसित होने वाला अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है जो गंभीर दस्त, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। ये भोजन या पानी पीने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली हवाई अड्डे ने 2024 में स्तर 5 शुद्ध शून्य उत्सर्जन मान्यता प्राप्त कर ली है। हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना था। कई उपायों के माध्यम से लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। IGIA ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत ये दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 अगस्त को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। आंसर सी पंजाब। एक्सप्लेनेशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे, जो मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। इस पहल से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 5,34,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य ने इस नए कार्यक्रम के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 अक्टूबर, बी 15 सितंबर, सी 23 अगस्त, डी
20 जुलाई आंसर सी 23 अगस्त एक्सप्लेनेशन अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियों विशेष रूप से भारत की प्रगति को उजागर करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए सतारा, बी कोल्हापुर, सी सोलापुर, डी सांगली। आंसर ए सतारा। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचेवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी MSEDCL ने प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ए यशस्वी जायसवाल, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी केएल राहुल। आंसर बी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वें सीएट वर्ष 2023-24 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। सीएट क्रिकेट पुरस्कार 1995-96 में शुरू किया गया था और यह आरपी गोयनका समूह की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी शनि, डी मंगल। आंसर डी मंगल। एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिकों ने पहली बार मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज की है। एक नए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत के अंदर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज PNAS पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये परत मंगल ग्रह की परत में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायिका को 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा? ए शंकर महादेवन और अलका याग्निक, बी अनु मलिक और सुनिधि चौहान, सी उत्तम सिंह और KS चित्रा, डी AR रहमान और श्रेया घोषाल। आंसर सी उत्तम सिंह और KS चित्रा। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को यहां एक समारोह में सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। राज्य संस्कृति विभाग हर साल मंगेशकर की जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। उत्तम सिंह को 2022 का मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि चित्रा को 2023 का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में UPS का क्या अर्थ है? ए एकीकृत भुगतान प्रणाली, बी संघ भुगतान योजना, सी यूनिवर्सल पेंशन सेवा, डी एकीकृत पेंशन योजना। आंसर डी एकीकृत पेंशन योजना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दे दी। UPS के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? ए 50%, बी 55%, सी 60%, डी 65%। आंसर सी 60%। एक्सप्लेनेशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा NPS के साथ ही लागू रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण भारत के लिए आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू को BR हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया जाएगा? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। आंसर डी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन, 25 अगस्त को कर्नाटक के BR हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र THRC में कानू का शुभारंभ किया जाएगा। कानू दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र बनने जा रहा है।
कानू का मतलब कन्नड़ और सोलिगा दोनों भाषाओं में सदाबहार जंगल है। कानू का लक्ष्य दक्षिण भारतीय आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में पहला ज्ञान केंद्र बनना है। अगला प्रश्न, सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ए विराट कोहली, बी यशस्वी जायसवाल, सी शुभमन गिल, डी रोहित शर्मा। आंसर ए विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, विराट कोहली को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि मोहम्मद शमी को वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर चुना गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी केएल राहुल। आंसर ए शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच दिसंबर 2022 में खेला था। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले। वे 2010 में एक दिवसीय में पदार्पण किया तथा सभी प्रारूपों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,867 रन बनाए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनोद कुमार यादव, बी जया वर्मा सिन्हा, सी सतीश कुमार, डी सुरेश प्रभु। आंसर सी सतीश कुमार। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRA में इसके अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 को शुरू होगा। वे जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी। अगला प्रश्न, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने FM चैनलों की नीलामी की जाएगी? ए 200 चैनल, बी 500 चैनल, सी 650 चैनल, डी 730 चैनल। आंसर डी 730 चैनल। एक्सप्लेनेशन, 28 अगस्त 2024 को देश में FM रेडियो के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 स्थानों पर 730 FM रेडियो चैनलों के लिए आरोही बढ़ती हुई बोली ई नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत छोटे और मध्यम आकार के शहरों में FM रेडियो चैनलों की पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में सूचना और मनोरंजन का प्रसार और अधिक प्रभावी हो सकेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर सी 5। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 26 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। नए जिलों का नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होगा। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी शैफाली वर्मा, डी दीप्ति शर्मा। आंसर ए हरमनप्रीत कौर। एक्सप्लेनेशन, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेगी। स्मृति मंधाना उप कप्तान के रूप में उनके साथ होंगी। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। टूर्नामेंट का नौवां संस्करण UAE में 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। सबसे कम उम्र के ICC के चेयरमैन कौन बने? ए सौरभ गांगुली, बी जय शाह, सी ग्रेग बाकले, डी रोजर बिन्नी। आंसर बी जय शाह। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ग्रेग बाकले का स्थान लिया है, जिन्होंने तीसरी बार इस पद के लिए नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? ए 28 अगस्त 2014, बी 1 जुलाई 2014, सी 26 जनवरी 2015, डी 2 अक्टूबर 2016। आंसर ए 28 अगस्त 2014।
एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। ये योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन NMFI है। इसका मकसद हर बैंकविहीन वयस्क को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। इस योजना के तहत वंचित वर्गों को मूल बचत बैंक खाता, जरूरत के हिसाब से ऋण, पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा, बीमा, पेंशन इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी? ए. मुंबई महाराष्ट्र, बी. सूरत गुजरात, सी. पालघर महाराष्ट्र, डी. दहानू महाराष्ट्र। आंसर सी. पालघर महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पालघर महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और क्षमता के कारण कई पहलुओं में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने वाला है। वधावन बंदरगाह 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह होगा। ये बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। इस बंदरगाह से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है। अगला प्रश्न। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. ध्यानचंद, सी. PT उषा, डी. मिल्खा सिंह। आंसर बी. ध्यानचंद। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति अद्वितीय कौशल और समर्पण ने हॉकी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1926 से 1948 तक अपने खेल करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज्यादा गोल किए और भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। अगला प्रश्न। प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? ए. महिला शक्ति दीदियाँ, बी. उद्यमी दीदियाँ, सी. किसान दीदियाँ, डी. लखपति दीदियाँ। आंसर डी. लखपति दीदियाँ। एक्सप्लेनेशन। 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए का ऋण देती है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। अगला प्रश्न। टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है जिसे फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? ए. सुंदर पिचाई, बी. पावेल ड्यूरोव, सी. जैक डोसी, डी. मार्क जुकरबर्ग। आंसर बी. पावेल ड्यूरोव। एक्सप्लेनेशन। लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल ड्यूरोव को हाल ही में ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें सशर्त छोड़ दिया गया। ड्यूरोव पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी के 12 मामले दर्ज है। 39 साल के ड्यूरोव रूस के रहने वाले हैं, लेकिन 2014 में उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया था। अब वो सऊदी अरब में रहते हैं।